कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं होती है? दोस्तों, दुनिया भर में सैकड़ों नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, पर सबकी एक ही विशेषता होती है कि इनकी दुम जो की टेढ़ी ही होती है, वह किसी भी तरह घुमाई हमेशा टेढ़ी ही रहती है। कुत्ते के टेढ़ी दुम का उसके व्यवहार से काफी गहरा संबंध है। अक्सर हम अपने घर के पालतू कुत्ते को देखते हैं कि जब हम कहीं बाहर से घर आते हैं तो वह अपने प्यार का प्रदर्शन अपनी दुम को ऊपर की तरफ हिलाकर करता है, साथ ही वह अपने मालिक से लिपट जाता है तथा कई बार प्यार से चाटने भी लगता है। परंतु जब उसे दूसरे कुत्ते को डराना होता है या अटैक की मुद्रा में होता है तो भी अपनी दुम ऊपर कर लेता है और उसकी पीठ के बाल खड़े हो जाते हैं। परंतु वह अगर दूसरे कुत्ते से डर जाए और समर्पण या बचाव की मुद्रा में अपनी पूंछ नीचे या पीछे टांगों के अंदर कर लेता है। इस प्रकार पूंछ कुत्तों के लिए संप्रेषण का माध्यम है। कुत्तों के समकक्ष माने जाने वाले अन्य जानवर जैसे बिल्ली, शेर, चीता आदि की दुम सीधी होती है। कहावत है कि हजार साल तक पोगली में डाल के भी रखो तो भी कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। अगर टेढ़ी दुम में कुत्ते की आन बान और शान याद तक कि उसका प्यार भी छिपा है तो उसे सीधे करने की क्या जरूरत है? प्रकृति ने उसे इस तरह बनाया है, इसलिए इंसान को दुम सीधी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना उसके मनोभावों को प्रकट करने का साधन है।